दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर गाड़ी वाले की और नई फ्रेश वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं Hyundai i20 N6 IMT का एक टर्बो वेरिएंट का वॉक अराउंड वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है i20 N6 IMT टर्बो वेरिएंट। और बात करेंगे हम फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको मिलेगी प्योर पियानो ब्लैक फिनिशिंग ग्रिल जो कि N6 की बैजिंग के साथ में आएगी। साइड में आपको N6 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और सेंटर में आपको Hyundai का लोगो मिलेगा। नीचे आपको रेडिएटर की भी मिलती है जिसमें रेड स्ट्रिप आपको दी गई है और पियानो ब्लैक फिनिशिंग ग्रिल आपको देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। और साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोजेक्टर फॉग लैंप और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक क्रीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको फील कराएंगे। और ऊपर आपको हेलोजन आपको हेडलैम्प मिलेंगे जो कि लो बीम एंड हाई बीम के साथ में आएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर और क्रीचर्स आपको हुड पर देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील कराएंगे गाड़ी पर। और ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं गाड़ी की कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, तो साइड में आपको कुछ इस तरीके की लुक मिलती है गाड़ी की जो कि क्रीचेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जो कि गाड़ी को मस्कुलर एंड स्पोर्टी फील कराएंगे। और फेंडर पे आपको N6 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे अलॉय व्हील आपको देखने को मिलेगा। व्हील साइज़ की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 195/55 R16 का आपको रिम मिलता है, यानी कि अलॉय आपको 16 इंच का अलॉय व्हील आपको मिल जाएगा। और नीचे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी और रेड स्ट्रिप जो कि स्पोर्टी अंदाज देने के लिए गाड़ी में इस्तेमाल किया गया है। पियानो ब्लैक आपको ORBM देखने को मिलेगी, टर्न इंडिकेटर साथ में जो कि ऑटो फोल्ड एंड एडजस्टेबल दोनों आपको देखने को मिलते हैं। और ए पिलर आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है और बी पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा। और डोर हैंडल की बात करेंगे, आपको बॉडी कलर देखने को मिलते हैं काफ़ी स्लीक एंड सुंदर आपको दिए गए हैं जो कि पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। मेंशन में आपको वीडियो में कर दूंगा कि कितनी ग्राउंड क्लियरेंस आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करेंगे, यहाँ पे आपको फ्यूल लेड का ऑप्शन मिल जाता है। और अब चलते हैं दूसरी साइड में, आपको दूसरी साइड दिखाते हैं कि आपको साइड प्रोफाइल कैसी मिलती है। ड्राइवर साइड लुक आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल जो कि ड्राइवर साइड की जो साइड प्रोफाइल वो आपको इस तरीके की मिलती है। और आपको ऊपर एक सनरूफ देखने को मिल जाएगा और पियानो ब्लैक आपको ORBMs मिलते हैं, बी पिलर आपको मैट ब्लैक मिलता है। और डोर्स की बात करेंगे तो वो ड्राइवर साइड आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं। प्योर ब्लैक इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड आपको रेड स्ट्रिप ये दी गई हैं थोड़ा सा स्पोर्टी अंदाज देने के लिए। और यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के बटन मिल जाएंगे, लॉक एंड अनलॉक ORBMs के बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं। मैट फिनिश में आपको डोर हैंडल दिए गए हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है, टोटल 7 स्पीकर आपको यहाँ इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। बोतल होल्डर की जगह आपको यहाँ दे दी गई है। और सीट्स की बात करेंगे तो आपको लेदर सीट्स आपको ब्लैक कलर की मिलती है जिसमें रेड स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है। इसमें रिक्लाइनिंग एंगल और हाइट एडजस्टेबल दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है सीट्स के अंदर। पैडल्स आपको दो ही मिलते हैं क्योंकि इसके IMT फीचर या IMT फीचर्स के अंदर आपको मिलता है, इसलिए आपको इसमें क्लच का फीचर नहीं मिलेगा। और ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन यहाँ मिल जाते हैं, हाइट लेवलर के बटन आपको यहाँ दिया गया है। और पुश स्टार्ट ऑप्शन नहीं मिलता इस गाड़ी के अंदर आपको, तो वो इसको आपको मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपके AC वेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी अंदाज में आपको दिए गए हैं। जो ओवरऑल इंटीरियर का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाने का कोशिश किया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है ओवरऑल ब्लैक इंटीरियर
और स्टेयरिंग आपको काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना कर दिया गया है, जो कि पुरानी वाली i20 से काफ़ी ज़्यादा अलग मिलता है, क्योंकि वही सेम स्टेयरिंग आपको अल्तजार में और क्रेटा में देखने को मिल जाएगा, पर इसका स्टेयरिंग उनसे अलग दिया गया है, जो कि लेदर रैप के साथ आपको मिलता है, जिनकी ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, और कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको साइड में, आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं वॉइस कमांड के, और इस साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन आपको दे दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ दी गई है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और साइड में आपको डोर्स पे कंट्रोल दिए गए हैं ORBMs के और विंडोज़ के, और यहाँ पे आपको 10 इंच का एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले का टच स्क्रीन आपको दे दिया गया है। नीचे आपको मैनुअली AC आपको देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दे दिया गया है, USB आपको मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल IMT ट्रांसमिशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसका जो गियर लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, स्पोर्टी अंदाज दिया गया है, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर की जगह दे दी गई है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी स्पेस के साथ आपको मिलता है। सीट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स आपको मिल जाती है। और बात करेंगे हम ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स अभी आपको अच्छा खासा डीप मिलता है, और कूल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ इसमें दे दिया गया है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल व्यू के बारे में, जो आपको व्यू मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है। आप देख सकते हैं आपको कैसा ड्राइविंग व्यू किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे रियर व्यू मिरर आपको मैनुअली डे नाइट का मिलता है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर दे दिया गया है, यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। सनरूफ आप देख सकते हैं कि इसमें पैनारोमिक सनरूफ तो नहीं मिलती है, एक नॉर्मल सी सनरूफ दे दी गई है कस्टमर को लुभाने के लिए। और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर की जगह मिल जाती है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर दे दिया गया है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, और उससे पहले आप देख लीजिए इसकी की। तो की में आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और एक की मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता है। तो हम आपको एनिमेशन दिखाते हैं इसका, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, कि किस तरीके का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो एनिमेशन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी रखा गया है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो लुभाने वाला सीन है वो शुरू में आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में स्टार्टिंग में। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर का मिलता है, यहाँ पे आपको RPM का मिल जाता है, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं किलोमीटर एवरेज फ्यूल वगैरह, जो भी आपको नॉर्मल फीचर जो भी होते हैं सारे ही इसके अंदर आपको दे दिए गए हैं। वार्निंग लाइट्स आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आप। अब हम आपको चल के दिखाते हैं रियर में, कि आपको रियर में आपको कितना कम्फर्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाते हैं रियर कंफर्ट कैसा मिलता है आपको। बात करते हैं रियर कंफर्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे पहले हम डोर्स से, तो डोर्स में आपको देखने को क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आपको ब्लैक डोर हैंडल आपको रियर में मिल जाते हैं, रेड स्ट्रिप का यहाँ काम किया गया है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ आपको मिल जाते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ आपको दी गई है, बोतल होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं रियर में आपको और क्या क्या मिलता है। तो रियर पैसेंजरों के लिए आपको यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं, मोबाइल रखने की जगह दी गई है, और अगर फास्ट आपको चार्जिंग करनी है तो आपको चार्जिंग स्लॉट आपको मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। और अब बात करते हैं कम्फर्ट की, तो कम्फर्ट में आपको जो आपको नी रूम मिलता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। आगे की सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग, और आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है गाड़ी का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और रिक्लाइनिंग में भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। हेडरेस्ट जो है आपके रियर के वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, वो आपको फिक्स मिलेंगे। और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे को लगता है कि अच्छी बात नहीं है। और आपको जो सेंटर बम्प मिलता है गाड़ी का वो भी एवरेज साइज का मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, 3 पैसेंजर आराम से बैठ के जा सकते हैं। आपको इतना आपको सेंटर बम्प मिल जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई परेशानी वाली बात है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको रियर में बूट स्पेस का आपको कितना मिलेगा गाड़ी का। तो आपको चलिए फटाफट से बूट स्पेस दिखाते हैं गाड़ी में आपको कितना मिलता है। रियर में आपको देखने को क्या क्या मिलता है वो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ। पहले आपको यहाँ पे ब्लैक आपको डिज़ाइनिंग एलिमेंट मिल जाता है,
ब्लैक आपको स्पॉयलर मिल जाता है पैनो ब्लैक फिनिश में, और आपको डीफॉगर यहाँ मिल जाते हैं। वाइपर का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे, आपको पैनो ब्लैक यहाँ पे फिनिश दी गई है। और यहाँ पे आपको रियर टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ये LED मिलता है, और इंडिकेटर वगैरह आपको भी आपको बल्ब्स में मिल जाते हैं, आपको बल्ब देखने को मिलेंगे। ये आपको बस एक LED देखने को मिलेगा। एनलाइन की बैजिंग आपको दे दी गई है यहाँ पे नीचे, और पीछे आपको स्पोर्टी अंदाज देने के लिए आपको यहाँ पे दो एग्जॉस्ट दिए गए हैं, और यहाँ पे ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। क्लैडिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 2 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर में आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। साइड में आपको i20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं आपको बूट स्पेस गाड़ी का कितना मिलता है। तो बूट ओपन करने के लिए पहले आपको चाबी से ये करना पड़ेगा, तो आप बूट देख सकते हैं कि अच्छा खासा आपको बूट मिलता है गाड़ी के अंदर। बूट कैपेसिटी कितनी है वो आपको मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा बूट आपको मिलता है। लिफ्टिंग के लिए आपको इतना ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, इतना डीप आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे दे दी गई है, ऊपर आपको एक हैंडल मिल जाता है जिससे आप अपना बूट बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी बूट लैंप देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके टायर सेक्शन की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा 185/65 R15 का, इसमें आपको स्पेयर टायर मिलता है। और बूट अच्छा खासा आपको मिल ही जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपको ये ओवरऑल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।